फुटबॉल की दुनिया में 18 दिसंबर का दिन बेहद अहम रहा। एक तरफ जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अर्जेंटीना ने ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया, वहीं दीपिका पादुकोण ने भी ऐतिहासिक कारनामा किया। दीपिका पादुकोण ने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च की और ऐसा करने वाली वो पहली ग्लोबल स्टार हैं। ये भारत के लिए गर्व से भरा पल था। दीपिका पादुकोण के साथ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को पूर्व स्पेनिश गोलकीपर आइकर कैसियास ने लॉन्च किया। दीपिका पादुकोण का फुटबॉल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर ट्रॉफी लॉन्च करने के लिए दीपिका को ही क्यों चुना गया। सोशल मीडिया पर भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। दीपिका पादुकोण और इकर कैसियास ने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को लुसेल स्टेडियम में लॉन्च किया था। इकर कैसियास ने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। करीब 6.175 किलो की ये ट्रॉफी 18 कैरेट सोने से बनी थी। इस ट्रॉफी को हर कोई नहीं छू सकता, सिर्फ खास लोगों को ही इस ट्रॉफी को छूने की इजाजत है। इन खास लोगों की लिस्ट में दीपिका पादुकोण और इकर कैसियास का नाम भी शामिल था। दीपिका पादुकोण को फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च करने के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इस ट्रॉफी का केस ग्लोबल लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन ने बनाया है और डिजाइन किया है, और दीपिका इस लग्जरी ब्रांड की एम्बेसडर हैं। इसके अलावा दीपिका कई और इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स का ग्लोबल फेस भी रह चुकी हैं। दीपिका का नाम 2 बार टाइम्स मैगजीन में भी शामिल किया गया। वहीं कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दीपिका पादुकोण अपने जलवे दिखा चुकी हैं और इसकी जूरी मेंबर भी रह चुकी हैं।